Hello friends, how are you? Today we'll be discussing about very important topic equilibrium. Equilibrium competitive point of view से काफी ज्यादा important है. इसका weightage आपका कोई भी competition में बहुत ज्यादा है, 11th में बहुत ज्यादा है. मतलब अगर competitive chapter में से अगर major chapter के बारे में बात करेंगे तो वो major chapter में से एक major chapter equilibrium है. मिनिमम क्वेश्चंस अगर जेई मेन के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस, अगर नीट के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन रहता है. 4 to 5 क्वेश्चंस मीन समझ सकते हैं कितना मार्क्स कैरी कर रहा है. कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी रहते हैं. तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा मेजर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए समझिए, ये इक्विलिब्रियम जो है हम लोग को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंपॉर्टेंस जान पता चल गया. नेक्स्ट हम लोग को हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में. तो इक्विलिब्रियम को हम लोग देखने के लिए, इक्विलिब्रियम का स्टडी करने के लिए इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग का पार्ट होगा केमिकल वाला पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट होगा, है ना. केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा. सेकेंड हम लोग का होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना. सेकेंड हम लोग का क्या देखना है, आयनिक इक्विलिब्रियम देखना है. मतलब इक्विलिब्रियम का ये 2 पार्ट में देखना है, एक केमिकल वाला पार्ट, दूसरा हम लोग का आयनिक वाला पार्ट. केमिकल वाला पार्ट काफी छोटा है, ज्यादा नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, बताते हैं कहां पर रहेंगे, ये छोटे प्रिंसिपल एक मिलेगा वहीं पर से क्वेश्चंस मेजर रहते हैं. लेकिन आपको लगता है फिर इसको 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 भी पढ़ेंगे हम लोग, इसी को क्यों नहीं पढ़ लेंगे, नहीं संभव है. आप टेबल ना सीख के मल्टीप्लीकेशन कैसे सीख सकते हो, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जो प्रोसीजर सिखाया जाएगा, उसका यूज पड़ेगा आयनिक में. इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल का हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग देन आयनिक का डिस्कशन करेंगे. तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले कुछ टूल्स है, कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम में यूज होने वाला, उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम में जो केमिकल इक्विलिब्रियम जहां कहीं भी इन्वॉल्व होता है या केमिकल इक्विलिब्रियम जहां कहीं वर्ड आ रहा है, ये रिएक्शन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है. क्लियर है. मतलब केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है. क्लियर, सिंपल डिफरेंस है. एज फॉर एग्जाम्पल H2+ of O2, दिस गिव्स H2O का फॉर्मेशन एट रूम टेम्परेचर, केमिकल चेंज. C+ of O2, दिस गिव्स CO2 का फॉर्मेशन, एक केमिकल चेंज. आप डेल्टा से पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है. ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, सॉरी आज चलते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है. दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. तो आपको जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिफरेंस. रिएक्टेंट का मतलब रिएक्ट करने वाला, जो इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट हो. प्रोडक्ट का मतलब बनने वाला, फॉर्म करने वाला, जो फाइनल स्टेज में मिलता हो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे. सिंपल एग्जांपल जैसे है क्या, ए से हम लोग को बी का फॉर्मेशन, ए से बी दिया हुआ है, दिस गिव्स दिया हुआ है, मींस ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. क्लियर है. मतलब ये हम लोग का इनिशियल स्टेज में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, जो फाइनल स्टेज में जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. क्लियर है. ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात हो गया. मतलब ये रिएक्शंस का 2 पार्ट देखे, रिएक्शंस का 2 पार्ट देखे. मतलब ये जो रिएक्शंस कंप्लीट होता है 2 पार्ट में कंप्लीट होता है. अब इस रिएक्शंस का टाइप देखना है, दो अलग अलग बातें हैं, बात को समझिए भाई. टाइप और पार्ट्स अलग अलग होते हैं. जैसे इस पेन का पार्ट्स ये कैप ही है, ये हम लोग का जो बच रहा है, और इसका टाइप क्या है, ये देखिए ब्लैक कलर का पेन है, ये ब्लू कलर का पेन है, ये क्या रेड कलर का पेन है, ये टाइप हो गया. इसको वेराइटी के नाम से जानते हैं, आप लोग समझ सकते होंगे. आप देखिए टाइप, हम लोग को रिएक्शन का हम लोग को मेनली 2 टाइप का हम लोग को देखना है. फर्स्ट हम लोग का होता है रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या होता है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन. सेकेंड होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन, है ना. फर्स्ट क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन. सेकेंड क्या हो गया, इररिवर्सिबल रिएक्शन. तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है. तो एक बार ये हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. पेशेंस रखो, बस सीखते जाओ धीरे धीरे. फर्स्ट ऑफ ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं.
इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस है क्या जी? तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है? जो सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, सिंगल डायरेक्शन मतलब कह सकते हैं ए से हम लोग का बी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सिंगल डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है? सिंगल डायरेक्शन है। क्लियर यहां तक? जो सिंगल डायरेक्शन मतलब कह सकते हैं इसमें ये वन वे है, मतलब डायरेक्शनल है, वन वे है, वन डायरेक्शन। कितना डायरेक्शन है? वन डायरेक्शन है। इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, मतलब ये रिएक्शंस कितना टाइम में कंप्लीट होगा उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे, मतलब इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा। और ये इन्वॉल्व होगा ऑलवेज कैरिड आउट इन ओपन वेसल, मतलब जिस स्पॉट में रिएक्शंस करवा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, मतलब इरिवर्सिबल का पाथ पता चल गया है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस सिंगल डायरेक्शंस में होते हैं, ऑलवेज कैरिड आउट इन ओपन वेसल, टाइम ऑफ कंप्लीशन पता चलेगा। क्या पता चलेगा? टाइम ऑफ कंप्लीशन पता चलेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप इस चीज को अगर क्लोज में हम लोग क्लोज वेसल्स में करवा दें तब क्या होगा? इसी चीज को आप क्लोज वेसल्स में करवा देंगे तब यहां का सबस्टांस बाहर नहीं निकल पाएगा ना, जब नहीं निकल पाएगा तो फिर यहां से यहां जाने का टेंडेंसी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग क्लोज वेसल में करवाते हैं। क्लियर है? मेन पॉइंट और बताना भूल गए कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में हो, समझो बात को, प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में हो, ये सॉरी प्रोडक्ट हम लोग का गैसियस स्टेट में हो तो क्या करेगा? रिएक्ट से ही क्या करेगा? वो एस्केप कर जाएगा, बाहर की तरफ उड़ जाएगा। अगर सॉलिड स्टेट में हो तब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कर लेगा। क्या करेगा? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, थर्मल डिकम्बशन रिएक्शंस हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना? ये सब रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या देखना है भाई? रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स, रिवर्स मतलब जो दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, मतलब यहां पर क्या था? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वनली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वनली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा था, समझ बातों को? वनली क्या हो रहा था? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा था। यहां पर रिवर्सिबल में क्या होगा? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मीन्स लिख सकते हैं सेक्शन को, क्या लिख सकते हैं? ए से बी का फॉर्मेशन, देन ए से बी से ए का फॉर्मेशन, इस तरीका दिखा सकते हैं, किसी का मन रहता है इस तरीका से भी दिखाता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे बातों को? ये भी आप लिख सकते हो, कोई कोई करता क्या है, ए से हम लोग को इस तरीका से दिखा देता है, ये भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही बता रहा है ना? लेकिन इसमें हम लोग को, इसमें हम इससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ए से हम लोग को पहले, ए से पहले बी बना फिर बी से ए बनना स्टार्ट हुआ, यहां पर भी बता रहा है, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पहले बी से ए बना उसके बाद ए से बी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर रहा है। क्यों कहता है? इस तरीके से। अब इसमें मेन मेन कॉन्सेप्ट क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चीज को कंपेयर कर लेते हैं कि ये टू डायरेक्शन में होता है, इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन नहीं होगा, कभी कभी ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, ये ऑलवेज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, यहां ओपन था ना, ये क्लोज वेसल में होगा। देखो जैसे बोले थे ना अभी, यहां पर जैसे मान लेते हैं क्लोज वेसल में नहीं हो, अगर क्लोज वेसल में हो रहा है यही काम, यहां से यहां आने का टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी है आ भी जाता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। आगे बताएंगे इक्विलिब्रियम का क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या मीनिंग क्या होता है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल के नाम पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब जो भी बोल रहे हैं सब क्लोज वेसल पे करना है, दिमाग में रखना है, कहाँ करना है? क्लोज वेसल्स में करना है। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन बोल दे कि इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा रिवर्सिबल में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जांपल दिए थे पोर्ट वाला, पोर्ट में दिए थे ना, इधर की तरफ अगर एस्केप कर जाएगा तो इरिवर्सिबल हो गया, अगर एस्केप नहीं की यहाँ पर आने की टेंडेंसी है, इट मीन्स क्या? रिवर्सिबल है, यहीं पर इक्विलिब्रियम की बात होती है। तो आप दिमाग में रखेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब इन्वॉल्व होने वाला कहाँ? रिवर्सिबल में। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, किसका? रिवर्सेबल का। तो थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज वेसल, थर्मल डिसोसिएशन
इन क्लोज वेसल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो PCl5 का डिकम्पोजिशन क्या फॉर्मेशन करता है जी, PCl3 प्लस अब Cl2 का फॉर्मेशन। और भी लिख सकते हो CaCl3 का डिकम्पोजिशन क्या फॉर्मेशन करेगा जी, बता सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस अब CO2 का फॉर्मेशन। ये सब लिखने के लिए आना चाहिए, मेटल का कार्बोनेट है, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये तो एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जितने भी टाइप का हम लोग का हाइड्रोलाइसिस है। सिंपल एग्जाम्पल जैसे हम लोग का है क्या, NH4Cl है, इसको आप क्या कीजिए वाटर के साथ मिला दीजिए, क्या फॉर्मेशन करेगा NH4OH प्लस अब क्या फॉर्मेशन करता है HCl का फॉर्मेशन करता है। यहां पर भी रिवर्सिबल का साइन आता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप हो गया। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, जो गैसियस रिएक्शन हो रहा है, गैसियस रिएक्शन हो रहा है यानी क्लोज रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन इन क्लोज। एग्जांपल लेते हैं, समझिए H2 ले लीजिए, N2 प्लस ऑफ O2, दिस इज टू पार्ट ऑफ NO का फॉर्मेशन, ये फर्दर ब्रेक डाउन होके N2 प्लस ऑफ O2 का फॉर्मेशन कर लगता है। और भी एग्जांपल है, H2 प्लस ऑफ I2, दिस गिव्स हम लोग का है क्या, टू पार्ट ऑफ HI का फॉर्मेशन, है ना। इसी तरीका से और भी है, SO3 का डिकम्पोजिशन, SO3 का डिकम्पोजिशन से क्या फॉर्मेशन करता है, SO2 प्लस ऑफ O2 का फॉर्मेशन। समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, 2 2 4 प्लस 4 6, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देख क्या रहे हैं, ये सब जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ही रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। बात सुन आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग को याद कीजिएगा एस्टरीफिकेशन से, एस्टरीफिकेशन एस्टर का क्या कीजिए, आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात नहीं समझ आया, अरे बता देता हूं, देखो देखिए यहीं पर जैसे कि एग्जांपल लीजिए C2H5C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ये क्या है, एक टाइप का एस्टर है। एस्टर को क्या कीजिए, आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, क्या फॉर्मेशन करेगा बता सकते हैं, फॉर्मेशन क्या करेगा, एस्टर बनता है एसिड और अल्कोहल से। दिमाग में रखेंगे एस्टर बनता किससे, एसिड और अल्कोहल से। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का एस्टर्स है, ये हम लोग का एस्टर्स है, तो एक पार्ट अल्कोहल में बनेगा, एक पार्ट किसमें बनेगा, एसिड में बनेगा। समझ गए बात को, एक पार्ट किसमें बनेगा, एसिड में बनेगा, एक पार्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये वाला पार्ट क्या बना देगा, ये जो हम लोग का पार्ट है काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट हम लोग क्या बनेगा, अल्कोहल बना देगा। मतलब क्या हो गया, ये CH3 के साथ OH हो गया, प्लस अब इसको क्या बोलेंगे, एसिड बना देंगे। C2H5 के साथ क्या होगा, COH का, C डबल बॉन्ड O के साथ OH का फॉर्मेशन हो गया ना, ये एक एसिड बन गया, ये एक एसिड है, ये हम लोग का क्या है, अल्कोहल है। समझ रहे बात को, एसिड अल्कोहल है, ये फर्दर एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या करेगा, स्टर्स का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टरिफिकेशन, आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, सब रिवर्सिबल रिएक्शंस का टाइप है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का कितना टाइप है, मतलब इक्विलिब्रियम कहां कहां एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट कहां कहां पर होगा, वो हम लोग को बहुत डिफिकल्टी है, काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ इक्वेशन है, वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम फेस करना आपको, उसका धीरे धीरे सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको ईजी लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है क्या, रिवर्स टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को भी क्या किया गया, टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, मतलब जो उसमें कंसिस्टेंट प्रेजेंट है उसके स्टेट के अकॉर्डिंग उसको टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट हम लोग का है क्या होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हम लोग है क्या, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड हम लोग का है क्या, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमो बराबर बोलते हैं, होमो का मतलब सेम। एग्जांपल लिख सकते हैं भाई, N2 प्लस ऑफ O2 दिस गिव्स टू पार्ट ऑफ NO गैस का फॉर्मेशन, ये भी गैस फॉर्मेट में, ये भी गैस फॉर्मेट में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, मतलब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में दोनों का स्टेट क्या होगा, सेम होगा। स्टेट सेम का मतलब ये भी गैस, ऐसा नहीं कि ये दोनों गैस, मतलब सबका स्टेट सेम होना चाहिए।
हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जिसका स्टेट सेम नहीं हो। जैसे एक और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, सी ग्रेफाइट से, सी ग्रेफाइट से रिवर्सिबल साइड सी डायमंड का फॉर्मेशन, डायमंड का फॉर्मेशन, ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है। ये भी किस फॉर्मेट में था, सॉलिड फॉर्मेट में था। ये लोग किस फॉर्मेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का एक और एग्जांपल है, वो हेट्रोजीनियस का है। हेट्रोजीनियस समझ में आ रहा है ना, मतलब जिसमें स्टेट का चेंजिंग हो। एग्जांपल लिखते हैं, CaCO3 सॉलिड फॉर्मेट में होता है, इसको आप डिकम्पोज करोगे तो CaO सॉलिड मिलेगा, प्लस अब क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। आप देख लो यहां पर सॉलिड सॉलिड गैस, स्टेट चेंज हो गया ना, मतलब ये हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं, फर्दर एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं स्पीड में, एकदम स्पीड में। हम लोग को क्या देखना है, रिएक्शंस देखना है, देखना है। रिएक्शंस का दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट करने वाला, प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला। क्लियर है। ये रिएक्शंस को हम लोग को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट हम लोग का रिवर्सिबल, सेकंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब टू वे रास्ता, मतलब जो टू वेज का फॉलो करता है, टू वे का फॉलो करता है, मतलब जा भी सकता आ भी सकता है, जिसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन नहीं होगा, है ना। और इरिवर्सिबल का मतलब सिंगल वे रास्ता, मतलब जो क्या कहता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन को बताएगा, मतलब जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं बनेगा। रिवर्सिबल में क्या होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, रिवर्सिबल रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल देखे थे, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस का मतलब जिसका स्टेट सेम हो, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जिसका स्टेट क्या हो, कंसिस्टेंट का अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। काम खत्म है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग को यहां तक जो भी था इक्विलिब्रियम के लिए जो मिर्च मसाला था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस मिर्च मसाला का यूज करेंगे हम लोग सब्जी बनाने के लिए, समझ रहे हो आपको। अब हम लोग मेन हम लोग डिफिनेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दिमाग को खोल के रखिए, मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट डिफिनेशन क्या कहता है, एक बार करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, एक सेकंड आपके बोर्ड पर। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना था, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या देखना है हम लोग को, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पॉइंट बाय पॉइंट देखिए बताते हैं, लिखना है आप लोग, वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक स्टेट है, बातों को समझिए पहले, एक स्टेट है या फिर एक टाइम है या फिर एक स्टेज है, स्टेट बोले, टाइम बोले या फिर स्टेट बोले, एक स्टेट है जिसमें की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स इसको अगर वर्बली लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए से हम लोग का बी का फॉर्मेशन है, आफ्टर सम टाइम बी से फर्दर ए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर यहां से यहां जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, समझिए बात को, मान लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर अब देखिए इसी को मेंशन करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो टाइम होगा, ये जो स्टेज होगा, इस स्टेट पे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर गया। ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया, केमिकल इक्विलिब्रियम। पहचाने कैसे, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्लोज वेसल में हम लोग क्या किए, डिकम्पोज कर दिए, इसमें डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस अब किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 गैस में। हम लोग को ये हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में है, हो क्या रहा था, यहाँ पर मोलिकुल्स, यहाँ भी मोलिकुल्स, यहाँ भी मोलिकुल्स, सब रिएक्टेंट है, मोलिकुल्स कंपाउंड फॉर्मेट में है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आयनिक के बारे में बात नहीं होगी, आयनिक में आयंस का इन्फॉर्मेशन होता है, समझ बात को। अब नेक्स्ट हम लोग को देखिए इसको समझते हैं होता कैसे है, मैकेनिज्म देखिए, हो क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पहले डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, डिकम्पोज होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है,
मतलब कैल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्सियम ऑक्साइड प्लस ऑफ सीओ टू का फॉर्मेशन कर रहा था, कर रहा है कर रहा है कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इट वी ऑब्जर्व दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्सियम ऑक्साइड विल बी एसोसिएटेड एंड फॉर्म कैल्सियम कार्बोनेट। देखा गया आफ्टर सम टाइम देखा क्या गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्सियम ऑक्साइड एसोसिएट होकर दोनों ऐड होकर दोनों रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करने लगा, मतलब धीरे धीरे करने लगा। अब ये भी बढ़ रहा है, इसका भी रेट जब ये फॉर्म कर रहा है और ये जब डिकम्पोज कर रहा है तो इसका रेट क्या हुआ, स्पीड में बढ़ा, मतलब इसके फॉर्म करने का रेट भी बढ़ना लगेगा, इसका भी रेट भी क्या क्या डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें कि रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब जो टाइम जो मिल रहा है, जो स्टेट जो मिल रहा है जिसमें कि दोनों का रेट इक्वल हो जाए, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो स्टेट है एट दिस स्टेट कौन सा स्टेट है, इक्विलिब्रियम का स्टेट है। यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मतलब बोल सकते हैं स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, स्टेट वेयर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितना रेट से ये प्रोडक्ट पूरा बन रहा है उतना ही रेट से ये भी बनेगा। मान लेते हैं कि 5 ग्राम पर सेकेंड बन रहा है, 5 ग्राम पर सेकेंड ये क्या कर रहा है, CaCO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो कैल्सियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट का जो फॉर्मेशन का रेट होगा ये भी 5 ग्राम पर सेकेंड होगा, मतलब 1 सेकेंड में 5 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। याद तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया, अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नॉट बी चेंज्ड या रिमेन अनचेंज्ड या नॉट चेंज का मतलब समझ आ रहा है, मतलब इसका कंसेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का रिएक्टेंट मान लेते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो इसका जो हम लोग का कंसेंट्रेशन है, इसका जो कंसेंट्रेशन है चेंज नहीं करेगा, बट इट नॉट बी नेसेसरी दिस अमाउंट या दिस कंसेंट्रेशन इज इक्वल इज नॉट बी नेसेसरी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि होगा ही कि इसका अमाउंट, इसका कंसेंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए। इट मे बी पॉसिबल, वो आपका इतफाक हो, वो इक्वल हो जाए, समझ बात को, तो टेंशन नहीं लेना है। समझिए, जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो जहां तक ये हम लोग का 3-4 पॉइंट था, क्या था, इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट एक और पॉइंट बताते हैं, अ स्टेट वेयर चेंज ऑफ एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द जीरो, अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन चेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द जीरो, मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मतलब इधर का एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब चेंज जीरो हो जाए। कैसे, ये भी 5 ग्राम पर सेकंड से फॉर्म कर रहा है, 5 ग्राम पर सेकंड से फॉर्म कर रहा है, MC² से देख सकते हैं, मास चेंज नहीं कर रहा, इधर भी मास चेंज नहीं कर रहा, दोनों का मास का जब चेंजिंग जीरो है तो एनर्जी का तो चेंजिंग तो जीरो है, क्योंकि सी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E इक्वल टू MC² होता है, जहां पर मास होता है पर क्या होता है, एनर्जी होता है। एक पॉइंट और बताते हैं, ΔG इक्वल टू जीरो गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये भी इक्विलिब्रियम का टाइम होता है, मतलब हम लोग को समझ आ गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम का टाइम समझ आ गया क्या क्या है हम लोग का। और ये भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कहां पर होगा, तो क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अब इसी चीज को जो हम लोग अभी पॉइंट देखे इसको हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं, आप लोग बस कंसंट्रेट हो, थोड़ा सा सुनिए, इसको हम लोग हेडिंग देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो एक बाई एक करके हम लोग देखते हैं, जिसे ग्राफ क्या कहता है, ये हम लोग का है इस तरीका से है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, किसके किसके बीच में, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। लेट यहां पर जो प्रोडक्ट का जो हम लोग का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना था, तो जीरो ही रहेगा, प्रोडक्ट कुछ बनता नहीं है, इसलिए ऑरिजिन पर लिए हैं,
रिएक्टेंट का अमाउंट हम लोग बहुत सारा लेते हैं ना, तभी तो बनता है ना, ये हम लोग का आर जीरो ले रहे हैं मतलब इनिशियल स्टेट में। रिएक्टेंट जिस रेशियो से डिक्रीज करेगा, मान लेते इस रेशियो से डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट भी उसी रेशियो से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको थोड़ा सा ग्राफ कैसा हो गया, इसको इस तरीके दिखाते हैं। रिएक्टेंट मान लेते इस तरीके से डिक्रीज करता है, जिस रेट से डिक्रीज किया उसी रेट से क्या करेगा, भी इंक्रीज करेगा, है ना। कहां पर देखिए कांस्टेंट हो रहा है, दोनों के बीच का गैप कहां पर कांस्टेंट हो रहा है, यहां पर क्या गया कांस्टेंट आ गया। ये कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है, स्टेट है इक्विलिब्रियम का। ये भी बोल सकते हैं ये यहां पर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन किसका रहा होगा, आर ऑफ टी का रहा होगा। आर ऑफ टी कौन सा कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या कंसंट्रेशन चेंज करता है, क्या इक्विलिब्रियम टाइम के बाद कंसंट्रेशन किसी का चेंज नहीं करता। यहां पर क्या है जी, आर नहीं यहां पर पी है, पी ऑफ टी है मतलब प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। अब से ऑब्जर्व ये भी पूछता है कंपटीशन में, ये भी पूछता है कि अमाउंट किसका ज्यादा है ग्राफिकली, तो आप बोल सकते हैं ये हम लोग का देखिए इधर से ऊपर जाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहां पर है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां पर है, आप बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, आर ऑफ टी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी, है ना, इस तरीके से। क्लियर है, नेक्स्ट ग्राफ, एक और ग्राफ लेते हैं। टाइम और किसके बीच में ग्राफ है, कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है ना जी। लेट यहां पर क्या है, प्रोडक्ट हम लोग का है पी जीरो, सॉरी रिएक्टेंट पी आर आर जीरो है, यहां पर पी जीरो क्या है प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का जिस रेशियो से डिक्रीज करेगा, जिस रेशियो से रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा उसी रेशियो से क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कहां पर आके मिल गया एक दूसरे से, यहां पर क्या होगा मिल गया, ये कौन सा टाइम है, एट क्या जी इक्विलिब्रियम का टाइम है। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग का, यहां पर क्या है आर ऑफ टी भी है, और जो कि हम लोग का क्या दिख रहा है आर ऑफ पी के क्या है, पी ऑफ क्या है पी टी के इक्वल है। मतलब कह सकते हैं रिएक्टेंट का जो हम लोग को टाइम टी पर मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पर जो हम लोग का वैल्यू है वही हम लोग का वैल्यू किसका है, प्रोडक्ट का है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो रहा है। एक ग्राफ और भी पॉसिबल हो सकता है ना, हम लोग का टाइम है, हम लोग का इधर है, हम लोग का क्या है पी ऑफ जीरो है, यहाँ पर क्या है आर एफ जीरो है मतलब रिएक्टेंट इनिशियल अमाउंट में, ये हम लोग का इधर क्या है कंसंट्रेशन है, समझो कंसंट्रेशन टाइम के बीच में। लेट रिएक्टेंट का इस तरीके से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, समझ बात को, प्रोडक्ट का क्या करेगा जिस रेशियो डिक्रीज उसी रेशियो से इंक्रीज करेगा ना, देखिए इंक्रीज कर गया। देखिए एक टाइम ऐसा आ गया जो कि क्या हुआ, दोनों क्या हो गया यहाँ पर से देखिए सेम आ रहा है कि नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। टाइम कौन सा है, इक्विलिब्रियम का टाइम है, एक कौन सा जी एट इक्विलिब्रियम है। ये किसका कंसंट्रेशन है, तो पी ऑफ टी का कंसंट्रेशन है ना। ये किसका कंसंट्रेशन है, आर ऑफ टी का कंसंट्रेशन है। आप ये भी बता सकते हैं रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है कि प्रोडक्ट का, यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पर ऊपर में है ना, ग्राफ ऊपर में है, तब तो पी टी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को देता है, ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम लोग का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अगेन।